हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया मस्त रहे। कैसी जो है आपके ऑफिस लोड चेंज होने जा रही है, क्योंकि वैसे तो आप वॉच और टीवी रिटायर नहीं देखेंगे, इसलिए शो की स्लोड चेंज करके बच्चों को हैप्पी एंडिंग करने का मौका दिया जाएगा। ऐसे में बचाए ना जाने ऐसे कितने शो हैं जो आते हैं और चले जाते हैं, पता नहीं चलता, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होता है। उस कॉन्सेप्ट का भी क्या फायदा जिसे पब्लिक प्यार नहीं। कहते हैं ना, आप नेता तो बहुत अच्छे हैं, अगर आप जीत जाएं तो सुधार करेंगे, लेकिन आपको जीतने देंगे तब ना, वही जो है आपके भी अपोजिट जो है बहुत सारे ऐसे खड़े हैं। तो अगर आप उस टाइम पे दूसरा शो देख रहे हैं और वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसे देख रहे हैं, क्या करें? सपोर्ट तो आप ऐसे को ही करेंगे जो काम नहीं करने वाले हैं। तो वैसे ही शो है जो भी आपकी निकाल कर दे रहे हैं, तो भाई वो तो उन्हें ही सपोर्ट करेंगे। तो चलिए, पॉलिटिक्स और एंटरटेनमेंट का रिश्ता कुछ एक जैसा ही है। जहाँ पे पब्लिक कंफ्यूज बहुत होती है और एंटरटेनमेंट अपनी तरफ खींचता बहुत है, तो ऐसे में मैं बात करने वाली हूँ एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार क्योंकि स्लो चेंज की न्यूज सोशल मीडिया में काफ़ी बार है। सबसे पहले मैं बात करूँगी स्टार प्लस के आपके टिकली की। टिकली अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, टिकली की प्यारी नहीं बढ़ रही है, रोज कुछ ना कुछ टिकली के लिए उसका पति जो है कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर देता है जो टिकली कंफ्यूज हो जाती है कि ये क्या है या पागलपन। ऐसे में जो है टिकली प्यार की नहीं बढ़ा पा रहा है, तो जैसे चाशनी को टाटा पाई कर दिया था, तो चाशनी को बोला था कि आप अर्ली टाइम दे दीजिए, वो रेडी नहीं था, तो चाशनी को भी अर्ली टाइम देने वाले हैं 6 से 7 के बीच। ऐसे में उसने कौन सा शो लॉन्च करेंगे अभी ये न्यूज सामने नहीं आई है, बस इतना पता है शायद गुल खान का काल पुरुष जो आने वाला है वो शायद जो है आ सकता है। अब बात आती है आपके दूसरे बड़े शो फालतू की। फालतू अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है अगर टीआरपी देखी जाए, लेकिन जितनी टीआरपी मांगी है उतनी नहीं दे रहा, इसीलिए फालतू की पहले न्यूज आई थी कि एक्सटेंशन मिला है और शायद जो है इसको जो है स्लॉट चेंज हो जाएगी। ऐसे में जो है स्लॉट चेंज नहीं हो रही है, ये अपने उसी टाइम पे हैप्पी एंडिंग करेंगे। 21 अगस्त को आप इसका लास्ट एपिसोड देखने वाले। ऐसे में कह रहे हैं फालतू बहुत अच्छा है, उसकी स्लॉट चेंज करके उसे जो है नया शुरू करना चाहिए। हो सकता है फालतू टू या आगे की कहानी जो है 6 से 7 के बीच में शुरू कर दी जाए, लेकिन फिलहाल जो एक ट्रैक चल रहा है उसकी एंडिंग फालतू की 20 अगस्त को। अब बात आती है आपकी हम रहे ना रहे। सोनी का शो है जय भानुचार्य और टीना दत्ता नजर आ रही है, स्वास्तिक प्रोडक्शन का शो जिनके आप वंशज शिव शक्ति कलर पर देख रहे हैं, बाजी तरह के शो जो है आप देख रहे हैं, बाकी स्थिति जो है कैशिक शक्ति है और जो है वंशज हैं वो इन्हीं देखते हैं, और सबसे बड़ी पहचान इन्हें मिली राधा कृष्ण आपने स्टार भारत को देखा था ना इसी पर अच्छे, लेकिन हम रहे ना रहे कहानी थोड़ा खींच रहे हैं, कंफ्यूजन कर रहे हैं, और ऐसे में जो है तो अच्छी ख्याति नहीं दे रहा है, और कौन बनेगा करोड़पति भी आ रहा है, ऐसे में शो तो टाटा पाई करेगा। तो ऐसे में शो ने कहा अभी हमारे पास स्टोरी है बहुत अच्छी है, उससे टीआरपी खरीदे, तो ऐसे में उन्होंने कहा कि आप 7:30 दे दीजिए, तो 14 अगस्त से आपको 7:30 देखने को मिलेगा हम रहे भारत। अब बात आती है आपकी प्यार से रब से दुआ है, रब से दुआ की टीआरपी ठीक से होती है 1.2, ना बढ़ रही है ना कम हो रही है, लेकिन सोशल मीडिया की मानो तो कम होना ज़्यादा बताना है, 0.8 भी जा सकती है, 0.9 भी जा सकती है, लेकिन टीआरपी बढ़ने का नाम नहीं ले रही। जब एक टीआरपी 4 वीक से एक जैसी रहे तो समझ जाना चाहिए कि शो पे खतरा फ्लॉप लिस्ट में आ चुका है। ऐसे में न्यूज आई थी कि शो में है ना एक बड़ा लीक दिया जाएगा, अभी वो लीक नजर नहीं आया है, लेकिन हो सकता है लीक के बाद काफी चेहरे चेंज किए गए, तो ऐसे में जो है इसकी फ्लॉप न्यूज निकल कर आ रही है,
किसी 6:30 या 6 o'clock की देने की बात आ रही है, लेकिन फिलहाल ये कह रहे हैं हम इसी पे ही आपकी अर्ली करेंगे। क्या रब से दुआ भी ऐसे ही चला जाएगा जैसे ना जाने कितने शो चलेगा संजोग या बहुत से ऐसे शो है, तो ऐसे में आप कौन से शो भी चाहते हैं अच्छा है स्लो चेंज हो जाए या कौन से शो को चाहते हैं यार